आपकी राय बरेली में तो कांग्रेस का बोलबाला है। अरे कांग्रेस का बोलबाला नहीं है, गोलमाल होने वाला है। वो भगोड़ा राहुल गांधी आग करके यहाँ वहाँ पर्चे दाखिल कर रहा, क्या उसे वायनाड की जनता पर अब भरोसा नहीं रहा? देश में सरकार किसकी आ रही है? मोदी सरकार आएगी। विपक्ष विपक्ष में विपक्ष वो तो महाठक बंधन है, वो तो कोई राग का नहीं है, वो तो गया काम से। विपक्ष सब एकदम चल रहे हैं, गायब हैं, पूरे हवा में उड़ रहे हैं। 10 सालों में कितनी बदली अयोध्या? बहुत बदल गई। ये आप ये देखिए, बाबा जो है वो चाबी लेकर के घूम रहे हैं और चाबी में लिखा हुआ है अब की बार 456 इंच। बाबा ये चाबी किस चीज की है, कहाँ लेके घूम रहे हैं आप? मैं तो चाबी घुमा रहा हूँ 400 पार के लिए। मैं रायबरेली से पद यात्रा करते हुए यहाँ चल करके आया हूँ। आपकी रायबरेली में तो कांग्रेस का बोलबाला है। अरे कांग्रेस का बोलबाला नहीं है, गोलमाल होने वाला है। वो भगोड़ा राहुल गांधी आग करके यहाँ वहाँ पर्चे दाखिल कर रहा, क्या उसे वायनाड की जनता पर अब भरोसा नहीं रहा? पहले तो जहाँ तक मेरे निजी विचारों की बात है, किसी को भी दो स्थानों से चुनाव लड़ने का नियम नहीं होना चाहिए। और वो तो एक स्थान पे अमेठी छोड़ा, वायनाड गया, वायनाड पे फिर पता चला वहाँ के मुख्यमंत्री ने कुछ कह दिया और वो भाग करके फिर रायबरेली आ गए। अब रायबरेली की सीट उनके हाथों में जाने वाली नहीं है। लेकिन जब मोदी जी द्वारिका जाते हैं समुद्र के अंदर, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, उनमें पूजा करते हैं, तो राहुल जी कहते हैं कि मोदी जी ड्रामा करते हैं। भाई उसे जो व्यक्ति हमारे धर्म के विषय में कुछ भी न जानता हो, वो टीका टिप्पणी करे, यह बहुत अनुचित है। और वैसे भी उसका नाम जो लोग लेते हैं, मैं कहना नहीं चाहता कि पप्पू कहते हैं तो फिर उसकी बातें कैसी होंगी और उन पे कमेंट क्यों किया जाए। तो ये चाबी लेके आप कहाँ जा रहे हैं? बट मैं तो इस चाबी को बनाया था मोदी जी को भेंट करने के लिए, क्योंकि ये 56 इंच थी, तो आया हूँ। लेकिन शायद हमारे माध्यम, हमारे सूत्र सही से कामयाब नहीं हुई है, इसलिए हम आप लोगों तक और पब्लिक तक तो जा रहे हैं। असली चीज तो यह है कि हमारा संदेश पब्लिक के बीच में जाए और पब्लिक इस बात को समझे कि अब ये लोकतंत्र असंतुष्टों की व्यवस्था है। इसमें कुछ लोग तो असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन आज मेरा देश और बहुमत, बहुसंख्यक लोग आनंद में हैं और सोच रहे कि हाँ, हमारा देश सही दिशा में चल रहा है। जैसा मेरा देश था, जिस देश के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, अपनी जान दी, वैसा ही देश निकट भविष्य में मोदी के हाथों से आकार लेने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो काम संपन्न हो, पूर्ण हो और साधु संत सज्जन जो पीड़ित हो जी रहे हैं यहाँ वहाँ, उन सब लोगों का कल्याण हो। तो आप देख सकते हैं ये जो है, एक बार ये जो चाबी है 56 इंच की चाबी है और ये जो बाबा है रायबरेली से चल करके आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी को ये चाबी जो है गिफ्ट करना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा मनोज तिवारी। कहाँ से हैं? बाराबंकी। ये बताइए, पहली बार अयोध्या आए हैं? नहीं, हम कई बार आए हैं, लेकिन अब यहाँ बहुत डेवलप हुआ, बहुत विकास हुआ है। ये 6-7-8 साल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है यहाँ से, मतलब मोदी सरकार के राज में विकास हुआ है। जी 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 जी। मंदिर बनने के बाद कुछ खास हुआ विकास? नहीं, तब से भी, उससे पहले भी हुआ, उससे बाद भी हुआ, अब हो भी रहा है। देश में सरकार किसकी आ रही है? मोदी सरकार आएगी। विपक्ष विपक्ष में विपक्ष वो तो महाठक बंधन है, वो तो कोई राग का नहीं है, वो तो गया काम से। इतना बड़ा गठबंधन बनाया, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनमें केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, मोदी जी 10 साल रहे, 10 साल अगर 10 साल और ये सरकार रह गई तो इनको बिल नहीं मिलेंगे, ढूंढेंगे तो बिल भी नहीं मिलेगी इन लोगों को। बस जी वो तो बेल पे है राहुल गांधी जी, ऐसे ही मोदी के खिलाफ उल्टा सीधा भगते रहते हैं। बाकी इतना अच्छा शासन, इतनी अच्छी कानून पेश हुआ और सबको एक नज़र से देखना, जो भी है कि उसमें जांच पांच का कोई बात नहीं है, सबको एक नज़र से, चाहे
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए एक बराबर हैं, सबके साथ बराबर विकास हो रहा है, ठीक है ना। हर सरकारों से तो अच्छे ही हैं, थोड़ी बहुत कमी एकाध भले हो, लेकिन हर सबसे अच्छे हैं, इसलिए हमारे यहाँ तो इन्हीं की सरकार आनी है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही करते हैं, बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिलहाल वो मोदी जी जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, पर राहुल गांधी बचे रहे और वो सब बचे रहे। क्या नाम है आपका? परमेश्वरी वर्मा। किसको जिता रहे? मोदी सरकार। मोदी सरकार, हाँ, झारखंड से, गिरिडीह से। कैसा चल रहा है झारखंड में काम? झारखंड का मोदी सरकार चल रहा था, हाँ जीतेगा भाई। लेकिन वहाँ पे तो मोदी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है। सरकार जरूर होंगे, सरकार नहीं है, लेकिन सरकार अब आएंगे ना, जो भी जीतेगा वहाँ का जो लोकसभा में वही जीतेंगे। क्या नाम है आपका? हरिदास। कहाँ से? मैं फैजाबाद, अयोध्या से। अयोध्या से कौन जीत रहा है? लल्लू सिंह। लल्लू सिंह, हाँ। विपक्ष? विपक्ष सब एकदम चल रहे हैं, गायब हैं, पूरे हवा में उड़ रहे हैं। 10 सालों में कितनी बदली अयोध्या? बहुत बदल गई, हाँ बहुत। पहले मेन रोड वाला पूरे हल्के चौड़े में था, अब चौड़ा हो गया। क्या नाम है आपका? राम बहादुर साहू। कहाँ से? उत्तराखंड से। अच्छा ये बताइए, उत्तराखंड में भी धामी सरकार है, बीजेपी का कामकाज कैसा चल रहा है देश में? बीजेपी का काम बढ़िया है, हमारी 5 सीटें हैं, 5 के 5 एमपी की सीटें 5 मिलेंगी, पांचों की 5 सीट। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है अब की बार 400 पार होगा? 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार बनेगी, बनेगी। नहीं जी, मैं किसी ये बात नहीं करता, सरकार हमारी बनेगी, 400 पार की मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन सरकार बनेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर, और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद है अयोध्या, भगवान श्री राम की पावन धरती, जिसे अयोध्या धाम के भी नाम से जाना जाता है। खासकर अगर हम 2024 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो कहीं ना कहीं अयोध्या का जिक्र और भी ज्यादा होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर 500 वर्षों के अद्भुत संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन करके आज तैयार हो चुका है। और जब से 22 जनवरी 2024 से उद्घाटन हुआ है, तब से ही जो भक्तों की कतार है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है, और हर दिन हजारों की तादाद में यहाँ भक्त आते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को अपने इस चुनाव में बुनाने की कोशिश भी कर रही है, और जिस तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह पर भरोसा जताया गया, उन्हें फिर से चुनावी मैदान पर उतारा गया कि वो इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात इंडिया अलायंस की करें तो वो पूरी मजबूती के साथ उनके इस विजय रथ को रोकने का प्रयास कर रही है। बात अगर हम समाजवादी पार्टी की करें तो उन्होंने यहां से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया है। इतना ही नहीं, बीएसपी ने भी यहां पर अपना चुनावी पत्ता खोला है और यहाँ से प्रत्याशी उतारा है उन्होंने, सच्चिदानंद पांडे को। यानी कि पूरा का पूरा ये मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अयोध्या भगवान श्री राम की धरती है, यहाँ पर लाखों भक्त, हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आखिर अयोध्या पहले और अब में कितना बदल चुकी है, और क्या लगता है इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी? क्या नाम है? अजीत वर्मा। क्या लग रहा है कौन जीतेगा अयोध्या से? यहाँ से लल्लू सिंह जीतेंगे, बाकी कोई विपक्ष से? विपक्ष कोई लड़ाई नहीं है यहाँ, लड़ाई में ही नहीं, नहीं बिल्कुल लड़ाई नहीं है। तीसरी बार मोदी सरकार, मतलब नहीं है तीसरी बार मोदी सरकार, बसपा कोई लड़ाई नहीं है, सपा थोड़ी बहुत लड़ रही है लेकिन लड़ाई इस बाहर है वो भी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है, इस बार मोदी सरकार नहीं बनने वाली। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, राम मंदिर निर्माण किया है, और दूसरी चीज धारा 370 और प्लस जो है क्षेत्र का विकास, अयोध्या का विकास, और गांव गांव में आप देखिएगा तो पूरे नाली खड़ंजे और कहीं भी पानी की टंकी, जहां पानी की व्यवस्था नहीं थी वहां तक पानी पहुंचाया जा रहा है, बिजली की व्यवस्था करवाई गई, और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास जिनके पास नहीं था उनको आवास दिया गया, पेंशन दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, शौचालय की व्यवस्था की गई, तो मोदी सरकार ने बहुत काम किया है, इसलिए जो है जनता जो है मोदी को फिर से सरकार में लाएगी।